किसान शहरी के अंदर। मांगी इंतखाब ऑनलाइन से गुज़िश्ता 28 तारीख को सूबा असम्बली का इजलास हुआ था, उसमें तमाम मुंतखब नुमाइंदों ने जो है बलोचिस्तान में हालात का जिम्मेदार पुलिस को करार दिया और उसमें यह भी मुतालबा किया कि मुख्तलिफ अजला में सिफारशी DPO मुकर्रर किए गए हैं, तो इस हवाले से आप कोई कदम उठा रहे हैं? ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है बिल्कुल, ऐसी मैं वहाँ बहस के दौरान मौजूद था और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी इतला हरगिज़ हरगिज़ दुरुस्त नहीं है सर। और दूसरी बात यह है कि सिफारशी DPO का ताल्लुक है तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से DPO तैनात होते हैं और उसके अंदर मेरी जो राय है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो इसलिए मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता कि तमाम के तमाम जो है वो इस तरीके से तैनात हैं। बाकी ये सिर्फ पुलिस जो है वो 5 या 6% इलाका कंट्रोल करती है। तो बाकी सर आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? आज भी जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से मशकशुदा लाशें मिल रही हैं और उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, इसका आप किसको जिम्मेदार ठहरा? टारगेट किलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है क्वेटा की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है और बाकी जहाँ जहाँ भी कोई जिम्मेदार होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है। जी कोशिशें हो रही हैं, उस सिलसिले में बहुत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बरामदगी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश सर। सी पुलिस और लेवीज तमाम मिल के, तो वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तमाम को टास्क दिया है कि अगवा बरए तवान की जो वारदातें हैं उनको सख्ती से रोका जाए और उनकी इस हिदायत पे बड़ी सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। सर जब्बार मनी दिल्ली जमाना बलोचिस्तान टाइम से। जी जी गुजारिश ये है कि शिद्दत पसंद जो होते हैं शिद्दत कानून शिकराना सर उनके पास जदीद असलाह है। जी जी उसके मुकाबले में पुलिस के पास वो असलाह वो सहूलतें कम दिखाई देती है। एक पुलिस सिपाही जब गश्त के लिए जाता है उसके पास एक मैगजीन होता है, इस हवाले से भी कुछ इकदाम आप कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने हुकूमत बलोचिस्तान बड़ी दिलचस्पी ले रही है पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग में और उसमें जो APCs हैं वो हम खरीद रहे हैं, इसके अलावा बॉडी आर्मर जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स बुलेट प्रूफ हेलमेट्स ये सारे हम खरीद रहे हैं ताकि हम अपनी तमाम फोर्स को जो है वो ऐसी जदीद साजो सामान से उनको हम मुजयन करें ताकि उनके अंदर इत्माद पैदा हो, उनकी ट्रेनिंग की तरफ हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं।